बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। वरिष्ठ पुलिस अफसरों के भ्रष्टाचार के मामले में खासी करकरी होने के बाद शासन ने सेवा नियमावली का उल्लंघन पाते हुए गौतम बुद्ध नगर के चर्चित और विवादित SSP वैभव किशन को निलंबित कर दिया है। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद निलंबन की कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं है कि वैभव द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या यह भी सच है कि थाने व जिले बेचे जा रहे हैं? मामला या इसे विवाद कहें, 5 वरिष्ठ IPS अफसरों के बीच का है, लिहाजा शासन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लेकिन मेरठ के मवाना थाने में दरोगा व एक पीड़ित के बीच जो बातचीत हो रही है, उससे तो यही साबित हो रहा है कि प्रदेश के थानों में खुलेआम रिश्वत चल रही है और पैसा पूरे कोकस के जेब में जा रहा है। वीडियो की गिरफ्त में आया दरोगा दौलतराम मीणा पीड़ित को बता रहा है कि यह पैसा केवल उसी की जेब में नहीं जाने वाला, विभाग के अन्य लोगों को भी देना पड़ेगा। लिहाजा भाई का फर्ज निभाते हुए बतौर रिश्वत दी जा रही धनराशि में और इजाफा कर दिया गया। बहरहाल प्रारंभिक जांच पड़ताल में दोषी पाते हुए दरोगा को निलंबित कर दिया गया, जबकि 2 दिन पहले ही संभल में एक दरोगा चरण सिंह को एंटी करप्शन टीम गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। रिश्वतखोरी की इन घटनाओं ने प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की घोषणा को आईना दिखा दिया है। गौतम बुद्ध नगर के SSP वैभव किशन ने एक महापौर शासन को भेजे पत्र में 4 IPS अफसरों के बारे में गोपनीय रिपोर्ट दी थी। इसमें उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए 4 पत्रकारों का हवाला देते हुए कहा गया था कि ये 4 IPS अफसरों से मिलकर ट्रांसफर रैकेट चला रहे हैं। इसमें सर्वाधिक डिमांड में मेरठ जिला है, जिसकी कीमत 80 लाख रुपये बताई गई। इसी क्रम में बिजनौर 30 लाख, बरेली 40 लाख और आगरा 50 लाख रुपये में मिलने का उल्लेख दिए गए सबूतों के आधार पर किया गया है। इसमें जिले से ट्रकों के सुरक्षित निकलने की एवज में पैसा मिलने का भी उल्लेख किया गया है। वैभव किशन का यह गोपनीय पत्र ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन जैसे ही एक अश्लील वीडियो क्लिप सामने आई तो जैसे सब कुछ साफ हो गया और एकदम से भूचाल खड़ा हो गया। वैभव किशन ने अपने फोटो का इस्तेमाल होने का आरोप लगाते हुए इस वीडियो को ही फर्जी बताया। सोशल मीडिया के इस युग में एक वीडियो को वायरल करने पर भी रोक लगाते हुए उन्होंने सख्त रुख अपनाया। मेरठ में एक पत्रकार जिसने एक वरिष्ठ पुलिस अफसर को यह वीडियो मुहैया कराई थी, उसे भी टीम भेजकर उठवा लिया गया। यह बात बिगर है कि IG के हस्तक्षेप के बाद पत्रकार को छोड़ा गया, अन्यथा वह भी जेल की हवा खा रहा होता। यह विवाद इतना बढ़ा कि आगे स्वयं DGP OP सिंह को प्रेस वार्ता करनी पड़ी। 4 पत्रकार गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए, लेकिन 4 IPS अफसरों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन DGP ने गोपनीय पत्र के सार्वजनिक होने को गंभीरता से लिया है। उन्होंने वैभव किशन का जवाब तलब करते हुए जांच बैठा दी है। SSP वैभव का यह भी आरोप है कि चूंकि उन्होंने उन पत्रकारों को गिरफ्तार कर इन 4 IPS अफसरों की भी गोपनीय रिपोर्ट शासन को भेजी थी, इसलिए उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियो बनाया गया है। बहरहाल वैभव किशन के इस पत्र से पंचम तल पर अफरा तफरी का माहौल है। साथ ही यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में प्रदेश के जिले बिक रहे हैं? इस आरोप की जांच फिलहाल वही एजेंसी कर रही है जिस एजेंसी के IPS ने अपनी ही एजेंसी के अन्य IPS अफसरों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप जड़ते हुए जांच की मांग की है। अब 2 दिन पहले संभल में रिश्वत लेते हुए दरोगा चरण सिंह को एंटी करप्शन टीम ने 25,000 रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया। चरण सिंह ने यह रिश्वत दहेज उत्पीड़न के मामले में हल्की धारा लगाने के एवज में मांगी थी। अब मवाना में गत दिवस दरोगा दौलतराम मीणा का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें रिश्वत लेते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मारपीट की एक घटना में दोनों पक्षों में समझौता होने के बावजूद FR लगाने के नाम पर दरोगा द्वारा रिश्वत के लिए एक पक्ष पर दबाव बनाया जा रहा था। रिश्वत लेते हुए दरोगा बता रहा है कि उससे इस रकम का हिस्सा पेशी व कंप्यूटर टाइप करने वाले को भी देना है, लिहाजा रकम में और इजाफा कर लिया जाए। वायरल वीडियो में पीड़ित पक्ष को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उनके यहाँ तो मोटरसाइकिलों के रेट हैं, ये लिस्ट है, पढ़ लो और मोटरसाइकिल के पैसे दे दो। यहाँ तो कोई रेट लिस्ट ही नहीं है कि किस काम के कितने पैसे देने हैं। बेहतर होगा कि इसका भी एक रेट लिस्ट लगवा दिया जाए। आइए पहले देखते हैं वह वीडियो जिसमें पीड़ित बात कर रहा है। आगे आप बता दो मुझे। मैं बताता कुछ नहीं, मान सम्मान वाली बात है। इसमें मैं कंप्यूटर टाइप कराई वाले को दूंगा, वो भी लेगा उससे फिर मैं पीसी में भी दूंगा, वही इसमें FR लग गई है, पैसे ले ले पीसी में।
तो आप बता दो, मैं फिर उस हिसाब से लेंगे। मैं तो मेरे पास तो अभी जेब में दे दे पड़े थे 1000-1100 रुपये, मुझे इतना आइडिया नहीं है। मगर ऐसे ऐसा कोई लंबा छोड़ा मामला नहीं, मगर आप उसके मगर बस ऐसे ही है। मगर देख लो आप बता दो अपने आप, इसमें कोई बात थोड़ी है, इसमें जो भी आप कहो बता दो मुझे। तो मैं तो भाई फैसला हो ही गया मामले में, ऐसा कोई वाली बात ही ना, आपकी पता कोई ऐसी कोई बात ही नहीं। दो चार आदमी ने बैठ के फैसला करा दिया, हो गया एफिडेविट उन्हें दे दिया, मेरे भी साइन हो गए, उसके भी हो गया। अच्छा जो जो सब वो ले कर आ रहा वो और लगेगा। अच्छा, तो वो आज देगा जी लागे, कल देगा लागे, आ गया ले गया। चलो आप बताओ तो सही मुझे, आप करो वहाँ सामान तो रखो वहाँ। देखो सुनो, ये तो कंप्यूटर टाइप बढ़े थे, ये मैं पेशी भेज दूंगा उसके। तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई अब, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। देख लो आपके कहने से कहाँ ले लेंगे कंप्यूटर वाले, आप कंप्यूटर है ना टाइप तो आप मुझे बता दो, मैं फिर वही ले आऊँगा घर से। मेरे मैं भी आज घर ही हूँ, मेरा भी आज संडे, मैं अपना घर ही रेस्ट कर रहा हूँ, मुझे भी कहीं नहीं जाना। तो बता दो कुछ बात थोड़ी है, अजी नहीं आप इसकी जब आप इसमें क्या क्या बात है, तो खुला जब आप कह रहे तो कोई बात थोड़ी है, मुझे तो इतना आइडिया है नहीं भाई। हमारे यहाँ तो मोटरसाइकिलों के रेट रहे, मगर जी यो रेट है, यो लिस्ट है जी, पढ़ लो मोटरसाइकिल कितने पैसे दे दो। अब यहाँ तो कैसे कोई लिस्ट ही ना है, या तो एक लिस्ट लगवा दो इस काम के इतने अपना लिस्ट में देखा और अपना मगर जी लो ये लिस्ट। अब हमें तो इतना ज्ञान है नहीं, अपने बालक पाल रहे हैं जी, छोटे छोटे अपने बालक हैं। आप बता दो जो भी है, जिसकी बात थोड़ी है, आप बता दो तो कितने, मैं उतने ले आऊँगा। जब आप इन्हें नहीं रख रहे तो कुछ तो बताओ कि हाँ भाई ये इतने, मुझे इतना आया नहीं। क्या कहूँ यार भाई, मैं तो भाइयों से भी पैसे तो 1000 और जोड़ दिन में बताओ 2000 रुपये और 1000 रुपये। पीड़ित ये बात जरूर हंसते हुए कह रहा है, लेकिन उसका दर्द भी किसी से छिपा नहीं है। वह राय भी दे रहा है कि थानों में काम के लिए बकायदा रेट लिस्ट लगवा दी जाए कि किस काम के कितने पैसे। पीड़ित की यह राय कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर के SSP वैभव कृष्ण के आरोपों को बल देती है दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल की घटना इस बात की भी चुगली कर रही है कि भले ही ऊपरी स्तर पर जीरो भ्रष्टाचार के दावे किए जा रहे हो, लेकिन आम जनता को रोजाना ही इससे दो चार होना पड़ रहा है। आज इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए आप फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।